أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم my dear students hope you all are good safe and sound at home this video is just for you class 4 and I'm your class teacher the instruction I'm going to provide you here will make ease in your work to understand class 4 अभी जो मैं instructions आपको देने लगी हूँ ये instruction इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी करेंगी आपके काम को समझने के लिए English. Do reading of unit number 2. Class 4. English. Book. Unit number 2. The Perfect Palace. Do reading of unit number 2. You have to read this unit completely. आपने इस unit को अच्छी तरह से read करना है. With the help of reading question number 2, 3 on textbook page number 9. You have to do this question number 2 and 3. Question number 2 और question number 3 करना है page number 9 पे with the help of दिस रीडिंग इस रीडिंग की मदद से आपने क्या करना है ये ब्लैंक्स करनी है और ट्रू फॉल्स करने हैं दिस इज़ वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल अगर आप अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ईजिली हो जाएगा ठीक है डू क्वेश्चन नंबर 6 यूजिंग डिक्शनरी क्वेश्चन नंबर 6 दिस वन आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है फाइंड अ डिक्शनरी एंड राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स आपने क्या करना है एक डिक्शनरी लेनी है और उसमें से आपने ये वर्ड्स ढूंढने हैं वर्ड ढूंढने के लिए आपने अगर यूनिसन आपने ढूंढना है तो यू एन आई आप ढूंढेंगे तो आपको ये वर्ड मिल जाएगा और उसका मीनिंग आपने यहाँ पे लिखना है दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन लर्न डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन पेज नंबर 7 वेयर इज पेज नंबर 7 हियर इट इज नाउन एंड प्रोनाउन आपने इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद करना है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया नाउन क्या होता है किसी भी बंदे का नाम किसी भी जगह का नाम किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है नाउन होता है प्रोनाउन प्रोनाउन टेक्स अ प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस वो लफ्ज़ जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है प्रोनाउन तो आपने इन दो डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद करना है दिस वन एंड दिस वन लर्न द डेफिनेशन ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब पेज नंबर 11 वेयर इज द पेज नंबर 11 हियर इट इज वर्ब एंड एडजेक्टिव ये दो डेफिनेशंस आपने याद करनी है अ वर्ब टेल्स व्हाट एक्शन समवन और समथिंग इज डूइंग और एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग ठीक है आपने वर्ब के वर्ब आपने बताना है कि वर्ब क्या होता है वर्ब बेसिकली काम को कहते हैं ठीक है तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन है कि इसमें एक्शन होता है किसी भी बंदे का या किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बताने के लिए ठीक है स्टेट ऑफ बीइंग एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या बताता है नाउन के बारे में बताता है या प्रोनाउन के बारे में बताता है इट इज व्हाट काइंड हाउ मैनी और विच वन जैसे कि ही इज़ अ टॉल बॉय इस लाइन में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है ही इज़ अ टॉल बॉय है ना तो टॉल जो है वो किसके बारे में बात हो रही है बड़ा लड़का यानी कि लंबा लड़का हाइट उसकी ज़्यादा है तो फिर टॉल जो है वो एडजेक्टिव है ओके ही इज़ अ स्मार्ट बॉय लड़के के बारे में बात हो रही है कि वो स्मार्ट है तो स्मार्ट इज़ एन एडजेक्टिव तो ये दो डेफिनेशंस आपने अच्छे से याद करनी है रिवाइज एवरीथिंग मेंशनड अबव ये जितना भी ऊपर दिया हुआ है इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है उर्दू सबक नंबर 3 उस्वा हसना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई करनी है उस्वा हसना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चैप्टर की इस लेसन की आपने अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है यहाँ तक ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चैप्टर की अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है बच्चे से कोई भी 10 सिफात ज़ुबानी सुनी जाएँ जो इस सबक में पढ़ी हुई हूँ आपने क्या करना है इस चैप्टर में जितना भी आपने पढ़ा है उसमें से 10 सिफात यानी कि 10 खसूसियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने अपनी मम्मी बाबा को मामा या पापा को सुनानी है ठीक है सफ़ा नंबर 11 पर वाहिद जमा लिखनी है सफ़ा नंबर 11 कहाँ है ये वाहिद जमा वाहिद के जमा लिखने हैं जैसे अदब का आदाब किताब का किताबें ये बाकी नहीं मैं आपको बता रही हूँ आपने खुद सोचना है यहाँ पे लिखना बुक पे जितना भी आपने काम करना है लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है तमाम पढ़े सबक की रोज़ाना दोहराई करें ये जितना भी आप काम करेंगे उसको रिपीट करना है ठीक है मैथ्स क्लास 4 मैथमेटिक्स लर्न टेबल 2 to 15 आप 2 से लेकर 15 तक के सारे टेबल्स लिखेंगे
और रोज़ाना उनको पढ़ेंगे, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन ए बी सी ऑन टेक्स्ट बुक। एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन ए बी सी ऑन द टेक्स्ट बुक। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट बुक, यहाँ पे करने हैं आपने, यहाँ पे। एंड यू हैव टू यूज लेड पेंसिल्स ओनली, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर साइन, इक्वल और लेस साइन। इसमें आपने ग्रेटर का साइन लगाना है, लेस का लगाना है, या आपने इक्वल का, ग्रेटर का या लेस का, ठीक है। ये तीनों साइंस आप लगा सकते हैं। तो इसका मैं अगर आपको बताऊं तो आपको खुद देखने से पता चल रहा है 2506 इज ग्रेटर देन 286, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू डन दिस क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। इसमें क्या करना है, इस पूरी लाइन में आपने लार्जेस्ट नंबर को देखना है, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट, कॉमा लगा के स्मॉलेस्ट, फिर कॉमा लगा के उससे स्मॉलेस्ट, और फिर कॉमा लगा के सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वो लास्ट पे आएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। आपने इसमें सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट होगा उसको लिखना है, फिर जो उससे बड़ा होगा उसको, कॉमा लगा के उससे बड़ा, फिर कॉमा लगा के उससे बड़ा। इस तरह से आपने, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन कम्प्लीटली। एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन सी ऑन टेक्स्ट बुक। एक्सरसाइज 1E, दिस इज द एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर सी ऑन टेक्स्ट बुक। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सी। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस वन पेज। अरेबिक न्यूमरल्स और रोमन न्यूमरल्स की मदद से आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपको आपने याद करना है कि वन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, टू को इस तरह से, थ्री इस तरह से, फोर इस तरह से। ये दिस इज हाउ यू हैव टू कम्प्लीटली लर्न अरेबिक न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 40। 1 से लेकर 40 तक के सारे ये अरेबिक न्यूमरल्स आपने रोमन न्यूमरल्स और अरेबिक न्यूमरल्स याद करने हैं, और फिर उसको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। कि ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये इससे ग्रेटर है या स्मॉलेस्ट है, ठीक है। डू प्रैक्टिस ऑफ अरेबिक न्यूमरल्स एंड रोमन न्यूमरल्स, जो मैंने आपको अभी बता दिया। पेज नंबर 17 पर अरेबिक न्यूमरल्स और रोमन न्यूमरल्स दिए हैं, ये आपने करना अच्छी तरह से। गिव टेस्ट ऑफ एक्सरसाइज 1A, गिव टेस्ट ऑफ एक्सरसाइज 1B, 1A एंड 1B। एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1B। तो आपने इन दो एक्सरसाइजेस का क्या करना है, टेस्ट देना है अच्छी तरह से। आपने इसको, ये आपको करवा दी गई है एक्सरसाइजेस, इस एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद बच्चों ईमानदारी से आपने क्या करना है कि घर पे किसी ना किसी को टेस्ट देना है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, कंप्यूटर। लर्न बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 6। बुक पे पेज नंबर 6 पे कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स होंगे, वो आपने करने हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पेज नंबर 6 and 7 पे होंगी, वो करनी है। लर्न यूजेस ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 आप खोलेंगे, यूजेस ऑफ कंप्यूटर आपको मिल जाएंगे, वो आपने याद करने हैं। लर्न 3 types ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर याद करनी है, 3 types ऑफ कंप्यूटर होंगी, वो याद करनी है। लर्न द 3 types ऑफ बसेस पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे 3 types ऑफ बसेस होंगी, 3 types ऑफ बसेस, वो आपने याद करनी है। देन यू हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ 3 types ऑफ पार्ट्स। पेज नंबर 21 पे 3 types ऑफ पार्ट्स दिए होंगे, वो आपने याद करने हैं, वो आपने खुद देखने किस चीज़ के पार्ट्स हैं। द वर्क ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इजी टू डू, इफ़ यू ऑलरेडी कंप्लीटेड देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल टीच यू अगेन व्हेन यू विल कम टू द स्कूल। अगर आपने कंप्यूटर का काम कर लिया अभी तक तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं किया तो जब आप आ जाओगे तो फिर मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। स्टे सेफ एंड स्टे होम। काम करने में कोई भी मुश्किल हो तो आप इस सारी वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है, और बार बार देखिएगा। और घर से बाहर आप ना निकलें, घर से बाहर निकलने की सूरत में अपने आप को अच्छी तरह से कवर करें, घर वापस आएँ तो शावर लें, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।